गुड इवनिंग गाइस, आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? गुड इवनिंग सर। यस सर। यस सर। ओके बेटा, ठीक है बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आप लोग सबको विजिबल है? यस सर। ओके सर, गुड। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक है मान लो, तो देखो अगर हमें इंटरेस्ट आता है पढ़ने में तो हम उसमें आगे बढ़ पाते हैं। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कहाँ लेके जाएगा? हम इसको पढ़ना जब शुरू करते हैं तो इसके अंदर एक गॉस लॉ आता है, पर जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके इसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। बेटा मैं आप लोग का जो वॉल्यूम है वो बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ जैसे आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, तो जिसको भी डाउट पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट कर लेगा या बात भी करनी है तो, बट फिलहाल मैं आपको अपने एंड से म्यूट कर रहा हूँ वरना बाकी बच्चे सब सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज सुनते रहेंगे। बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने पूछा गॉस लॉ किस लिए यूज होता है, तो पहली दिमाग में आपकी लाइन आनी चाहिए कि इसका एप्लीकेशन जाके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होगा। फिर बच्चों के मन में ख्याल आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग इंटीग्रेशन ये सब करके निकाल ही रहे थे, तो गॉस लॉ की नीड क्या है? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालता है तो फिर गॉस लॉ की नीड ही क्या है? तो क्या ये कूलम्स लॉ से अलग कोई लॉ है? बेटा जब ये सारे सवाल आपके मन में आएंगे कि क्या ये कूलम्स लॉ से अलग है, तो एक मैं आपको एक बिल्कुल शांति से एक बात समझाता हूँ। कूलम्स लॉ और गॉस लॉ में कोई भी अंतर नहीं है। गॉस लॉ तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमको बिल्कुल 2 सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो किसी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। मतलब जैसे एक लाइन चार्ज लिया था हमने, पिछली बार याद करो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन की थी जो थोड़ी लंबी गई थी। फॉर्मूला आया था याद करो कि स्ट्रेट लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई लीनियर लाइन चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आई थी बिटवीन देम, एच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। और हमने एक पूरा फॉर्मूला तैयार कर लिया था कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना होगा और जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना होगा, लेकिन आपने उसमें देखा था कि हमारी डेरिवेशन काफी ज्यादा लगी थी। तो गॉस लॉ की मदद से जब हम देखेंगे तो वो हमारे 2 लाइन में आ जाएगा बिना किसी डेरिवेशन के। तो गॉस लॉ हर जगह जहां पे चार्ज सिमेट्री में है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की मदद करेगा, बट कंडीशन है गॉस लॉ इज नॉट यूज्ड फॉर अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तब आप सिर्फ इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो जैसे हम नॉर्मल मेथड से निकालते आए हैं। लेकिन अगर आपको गॉस लॉ यूज करना है तब कुछ ऐसा होना चाहिए कि चार्ज सिमेट्री पे हो, जैसे कोई पॉइंट चार्ज हो उसकी वजह से निकालना हो, आपका कोई लाइन चार्ज हो उसकी वजह से निकालना हो, किसी सरफेस पे चार्ज हो और आपको ऐसी दूरी पे निकालना हो जहां से पूरा सरफेस आपके लिए सिमेट्रिकल हो। हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये गॉस लॉ में एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। बेटा चलिए मैं 10 सेकंड के लिए, आप लोग मुझे बताइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लक्स, आप फ्लक्स से क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स नहीं बेटा, फ्लक्स से आप क्या समझते हो? सर मतलब किसी भी चीज का जो फ्लो है, मतलब किसी भी एरिया से। हाँ ठीक है, चेंज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा ठीक है बेटा, मैं नॉर्मल फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, इट इज नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स? अच्छा बेटा जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, अगर हमारा आज का टॉपिक गॉस लॉ है तो हमें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स समझना पड़ेगा। बेटा फ्लक्स क्या होता है, जैसे मान लो किसी ने कोई इंडस्ट्री लगाई है, पावर प्लांट लगाया है, तो कई बार वो देखते हैं वो कचरा निकालता है एक पाइप से कहीं पे, तो हम लोग देखते हैं कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि पानी में इतना कचरा या फ्लक्स ना डाला जाए वहां से। फ्लक्स इज ऑलवेज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया से कितना ज्यादा अमाउंट बाहर आ रहा है। मतलब अगर सपोज एक पाइप से ज्यादा पानी भी आ रहा है तो हम बोलेंगे देखो देखो इतना ज्यादा फ्लक्स आ रहा है, तो फ्लक्स इज समथिंग जो कमिंग आउट फ्रॉम ए गिवन एरिया। अगर कोई हमें गिवन एरिया दे रखा है उससे कोई चीज निकल के आती है तो हम उसको जनरली फ्लक्स कह सकते हैं। इस फ्लक्स आप लाइट का भी बोल सकते हो, तब उसे ल्यूमिनस फ्लक्स बोल देते हैं। अगर किसी स्वेज पाइप से कचरा बाहर आ रहा हो तो
इंडस्ट्रियल फ्लक्स, इंडस्ट्रियल फ्लक्स बोल सकते हो। लेकिन बेटा आपने देखा कुछ बाहर आ रहा है और किसी पर्टिकुलर एरिया से। अच्छा कितने बच्चों ने ऑब्जर्व किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² आया था? आयो बेटा सबने ऑब्जर्व किया था, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा था तो KQ/r² लिखा था, तो सब बच्चों को ने ये ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, यानी मैं समझ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी के साथ घटती है। चलो ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा कितने बच्चों को याद है कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम से रिप्रेजेंट किया था तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा थी हम बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा है। मैं दोबारा बोलता हूँ बेटा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का जो बल्क है वो जितना ज्यादा होता है उससे हम लोग डिफाइन करते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। तो फ्लक्स डिफाइन करने से पहले मैं आपको सिंपली ऐसा कुछ बोलता हूं कि फ्लक्स कहीं ना कहीं चार्ज को डिनोट करता है। जब इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ोगे तो इंटरचेंजेबली हम चार्ज और फ्लक्स को एक ही नाम देंगे। आपके 12th तक में इसको Q/E0 बोल देंगे, पर जनरली जब इंजीनियरिंग में पढ़ोगे तो 95% जगह पे हम इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को एक ही टर्म बोल देंगे। बेटा अब मैं थोड़ा सा, मैंने आपको बस एक टर्म बोला है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फ्लक्स की इमेज किसी अंदर जगह फंसे हुए चार्ज से होनी चाहिए, बट अभी एग्जैक्टली क्या होगा हम धीरे धीरे समझेंगे। अब तक मैंने तुमको सिर्फ ये बताया कि हमें गॉस लॉ पढ़ना है, गॉस लॉ का एंड रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन उससे पहले हमने कुछ टर्म पढ़ने की कोशिश की, जैसे फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स इज समथिंग कमिंग आउट ऑफ ए गिवन एरिया। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फ्लक्स? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को समझने के लिए मैं तुमको ने एक और पॉइंट बताया था तुम लोग को थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां ज्यादा होगी वहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन हमें ज्यादा इमेजिन करनी है। बेटा ये इमेजरी होती है तो इसलिए मैंने बोला इमेजिन करनी है। अब चुपचाप से सोचो कि एक पॉइंट चार्ज है। मैं ये थोड़ा एरिया क्लियर करता हूँ, फिर से चीजें दोबारा बनाता हूँ। सपोज एक पॉइंट चार्ज है, अब उससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी। बेटा किसी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे जाएगी जैसे कुछ डाइवर्ज कर रहा हो, मतलब फैल रहा हो। कुछ इस तरह से हम लोग बनाते हैं बेटा पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक काम करो, आप लोग मुझे बताओ, सिर्फ एक सिंपल सा, जैसे आपके सामने एक एरिया का, जैसे किसी ने अपना हाथ रखा हो सपोज, कितनी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस करेगी अगर हाथ यहां पे हो दूर, यहां पे हो पास, या इससे ज्यादा और पास, कहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा क्रॉस करेगी? वन पे, सबसे पास वाले, सबसे पास वन पे, पास वाले वन पे। ठीक है बेटा, मैं आप लोगों से कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने सबने बताया कि पास वाले पे। अच्छा बेटा क्या ये एरिया पे भी डिपेंड करेगा, इस सरफेस एरिया का? अगर मैं एरिया बोल, यस सर, यस सर, यस सर, तो आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स वही जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी एरिया से क्रॉस कर रही है वो है। बेटा इमेजिनेशन पकड़ो, अगर आपको ये दिखने लगेगा तो बहुत ईजी हो जाता है, तब फॉर्मूला नहीं रह जाएगा, वो आपको दिखने लग जाएगा। यानी किसी गिवन एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही है वही इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। बेटा एक चीज बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे ऐसे बना दी और एरिया कुछ ऐसे ले लिया, मतलब पैरेलल एरिया हमने पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, अब तुम बताओ कोई फ्लक्स क्रॉस करेगा? हाँ, तो कुल मिला के आप ये सोचो कि कोई आपके ऊपर पानी फेंक रहा है तो आप अम्ब्रेला को कैसे यूज करोगे, उसके परपेंडिकुलर ना। तो जितनी पानी की बूंदें अम्ब्रेला से टकराएंगी दैट इज वाटर फ्लक्स बोल देते, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी गिवन एरिया को परपेंडिकुलरली मीट करती हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कोई रियल चीज है? आंसर इज नहीं, दिस इज ए इमेजिनरी थिंग। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैंने आपसे पूछा कि
क्या इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, क्या इलेक्ट्रिकल फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी होता है? तो आंसर इज नो. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये कहीं ना कहीं चार्ज रिप्रेजेंट करता है, एंड चार्ज इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी. तो सबसे पहले क्यों ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले को समझा जाए बेटा. बेटा होता है क्या ना, कभी ना कभी हमें लर्निंग बाय डूइंग से समझ आ जाता है. बेटा क्या फिगर में सबको डायग्राम दिख रहा है? मैं इसलिए बस क्लियर कर लेता हूँ बेटा कि कई बार इंटरनेट पे पढ़ाने से थोड़ा सा लैग रहता है. बेटा आप लोग yes. फिगर बना होगा जिसमें से कुछ ब्लू ब्लू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया को क्रॉस कर रही है. yes, sir. काम की एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है. काम की एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो देखिए आपके सामने जो एक फिगर है वो काफी इजी टाइप का है. अब जरा दूसरे फिगर जो नीचे में जाके दिखा रहा हूं इसको देखिए. अब मुझे बताइए आप कौन सी एरिया को कंसीडर करेंगे. मैंने आपको एक एरो से समझाता हूं बेटा. देखो सपोज मुझे बताओ मैं दो टिक कर रहा हूं, टिक नंबर वन और टिक नंबर टू. कौन सी एरिया काम की है बताओ. सर पहला वाला. हाँ पहले वाला. पहले वाला, ये वाला एरिया हमारा. हाँ गुड. एनसीईआरटी से वो बार बार बोर्ड में एक क्वेश्चन गिराता है जिसमें वो आपको इस एंगल पे ही कंफ्यूज करके रखेगा. तो थोड़ी देर में हम उस पे आएंगे, लेकिन पहले क्या मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आपको तकलीफ तो नहीं होगी अगर हम एरिया को वेक्टर लें? आर यू पीपल कंफर्टेबल? मेरे को पढ़ाना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ही है. मैंने आपको साफ बता दिया किसी सरफेस एरिया पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली फॉल करेंगी दैट इज योर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स. लेकिन क्या आपका दिमाग तैयार है कि आप एरिया को एज ए वेक्टर लेने को तैयार हो? yes. आओ देखते हैं कितने बच्चे एरिया एज ए वेक्टर कॉन्सेप्ट समझ पाए. अच्छा बेटा मैं एक कोई एक बच्चा जो मुझसे बात कर ले अभी. कौन? सारे बच्चे बेटा वैसे ऑनलाइन ही है. कोई एक बच्चा अभी बात कर सकता है? yes, you are there? yes, sir. yes, sir. okay, शिवांशी बेटा आप बताओ मुझे किसी भी चीज को वेक्टर बनने के लिए क्या क्या चाहिए? So, magnitude और direction. ठीक है बेटा. अब उस मैंने तुम्हारे लिए एक कोऑर्डिनेट मतलब एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बना रहा हूँ. ठीक है, यहाँ मैंने x लिखा, मैंने तुम्हें यहाँ y लिखा. अब तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन में एक एरिया दे रहा हूँ और मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,2 देता हूं. तब तुम मुझे बताओ बेटा कि ये जो एरिया होगी ये कितनी होगी? ये वाली बेटा ये स्क्वायर समझना कि अगर मैंने आपको ये 2 दिया है और ये भी 2 दिया है तो ये एरिया कितनी होगी बेटा? शिवांशी आर यू देयर? जी सर. सर 4 होगा. हाँ 4 होगा. तो अगर एरिया को वेक्टर बनाना है तो मैग्नीट्यूड निकालना इज नथिंग हार्ड ना. सिंपली एरिया का वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड निकाल लो, 2 × 2 = 4 कर दो. लेकिन क्या आपका दिमाग इस बात को मानने को तैयार है कि जब हमने इसको एरिया लिया है तो इसका डायरेक्शन भी हो सकता है? हम एरिया का डायरेक्शन किसको लेते हैं? परपेंडिकुलर टू द एरिया. तो बताओ कहाँ जाएगा वो? क्या आपको जेड एक्सिस समझ आ रहा है? बेटा हम जब एरिया के परपेंडिकुलर लेते हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया. प्लीज समझने की कोशिश करना. अगर आपकी फिगर में जो ब्लू वाला फिगर दिख रहा है ना बेटा, ब्लू ब्लू लाइंस वाला, इसमें जो डेल्टा एस का डायरेक्शन देख रहे हो, ये देखो 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 क्या डायरेक्शन दिया है? परपेंडिकुलर टू द एरिया. तो जो डायग्राम मैंने तुमको अभी एक्स वाई जेड का बना के दिया है आप ऐसे लिखते कि सर एरिया वेक्टर ऐसे है, इसका मैग्नीट्यूड था 2 × 2 = 4 और डायरेक्शन कहाँ जाएगा? जेड एक्सिस में यानी 4K. okay. अगर आपका दिमाग इस बात को मानने को तैयार है कि एरिया वेक्टर में मैग्नीट्यूड इज वेरी सिंपल, सिंपल एरिया निकाल लो और एरिया का डायरेक्शन क्या लेना है? परपेंडिकुलर टू द एरिया. सपोज आपके हाथ में एक कॉपी है, जो आपके जो आप पढ़ रहे हो घर पे कॉपी है, उसके ऊपर एक पेन को परपेंडिकुलर रख दो. द डायरेक्शन ऑफ द पेन इज कॉल्ड
direction of the area vector. And the surface area of the copy will be called magnitude of the area vector. अब पहली लाइन में आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी और मैथमेटिकली हम लोग ऐसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और हम मैथमेटिकली ऐसा बोलेंगे. और बेटा कहीं ना कहीं देखना आगे चल के मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा तो फ्लक्स के लिए सिंबल ऐसा यूज होगा. देखना इस सिंबल को पहचानो जरा, पहचाने, और इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में ई लिखेंगे. हम प्रैक्टिस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को हम ऐसे डिनोट करें. इज इट क्लियर? और इसका मैग्नीट्यूड आएगा बेटा देखो ई डॉट डीएस. अब डीएस पे हम लोग जाते हैं. मैं डीएस क्यों बोल रहा हूं थोड़ी देर में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. देखो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूं और फिर हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैंने आप लोगों को बोला कि फर्स्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट यू विल नोटिस दिस कि फाइ ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस. अब मुझे ये बताना है कि बेटा ये चीज आपको समझाने के लिए काफी होनी चाहिए कि हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर देता है. तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स स्केलर होगा जिसमें डीएस सरफेस एरिया है और डी रिप्रेजेंट करता है छोटी सरफेस एरिया. अच्छा मैं तुम लोगों से खुद ही पूछता हूं. जैसे मान लो एक प्लस चार्ज है और यहां पे हमने सरफेस ऐसे ऐसे डिजाइन कर दिया कुछ अजीब से शेप का. अब तुम खुद बताओ अगर ये पॉइंट चार्ज क्यू है तो हर जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगी उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा बेटा सरफेस एरिया के हिसाब से. हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्ट्रेट बनती है बेटा किसी पॉइंट चार्ज से. अब जरा उस जगह पे जाके इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना ली, प्लस क्यू की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली. सबका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, E1, E2, E3. पर अगर तुम्हें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को समझना है तो इनके डॉट प्रोडक्ट पे ध्यान दो. बेटा मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे वो सारे क्वेश्चन पूछूं जो एग्जाम में आते हैं. अगर आप किसी भी एक जगह देखो तो एक छोटा सा सरफेस एरिया होगा और उस सरफेस एरिया के वहां पे परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन होगा. अगर आपको डॉट प्रोडक्ट याद है तो डॉट प्रोडक्ट में हम कभी भी ए डॉट बी जब करते थे तो हम लोग दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड लिख लेते थे. जैसे मॉड ई मॉड डी एस, यानी हम लोग मैग्नीट्यूड पोर्शन को जल्दी जल्दी लिख लेते थे और फिर उसके बीच में मतलब उन दोनों के बीच में जो एंगल होता था उसका हम कॉस थीटा लिखते थे. तो कॉस थीटा किसके बीच में होता है बेटा यहां बताओ. अगर आपको ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट याद है तो कॉस थीटा किसके बीच में होता था? अच्छा सर ए और बी के बीच में. ए और बी के बीच में, यानी यहाँ पे किसके बीच में आ जाएगा? ई और डी एस के बीच में. सर यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे फिर एंगल मेजर करेंगे दोनों के बीच में. हाँ बेटा जैसे मान लो यहाँ पे टेंजेंट बनाया मैंने, उस पॉइंट पे तुमने टेंजेंट बनाया, टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर होगा वो एरिया वेक्टर होगा. ठीक है बेटा, मैं बच्चे ना कितने भी अच्छे हो एग्जाम में वो एक सिली मिस्टेक जरूर करते हैं. चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. सपोज मैंने बेटा कुछ चैट पे शायद बच्चे डाउट पूछ रहे हैं. आप लोग को चैट विंडो नहीं दिखता है पर मुझे दिखता है. हाय आरएस डीएस नॉट आरएस. अच्छा ठीक है बेटा मैं ऐसे समझाता हूँ, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. एक बच्चे का सवाल ये आया कि सर वो डीएस क्यों लिख रहे हैं, एस क्यों नहीं लिख रहे हैं, अंतर क्या हुआ इसमें? बेटा हर पॉइंट पे ना, हर पॉइंट पे किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती रहती है तो इसलिए हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही फ्लक्स डिफाइन कर रहे हैं और फिर सारे फ्लक्स को हम जोड़ेंगे. इसलिए ई डॉट डीएस 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 ऐड होगा. आप चाहो तो अभी सिर्फ ई इंटू एस समझ लो, ई डॉट एस समझ लो, कोई बात नहीं. लेकिन कभी टोटल फ्लक्स बोला जाएगा तब तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि हम एरिया को छोटा क्यों ले रहे हैं. बेटा मुझे दो मिनट दो, ये जो डायग्राम बन रहा था ना हम लोग जो बना रहे थे यहाँ पे देखो ये वाला, इस डायग्राम के थ्रू मैं समझा दूंगा हम लोग डीएस डीएस क्यों ले रहे हैं. बेटा हर जगह का एरिया छोटा छोटा लेंगे हम,
डीएस डीएस डीएस, बट हर जगह जो हमारा एंगल बन रहा है वो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और उस जगह की एरिया वेक्टर के बीच में है। मैं एक काम करता हूँ, आई होप बस अब तक आप लोगों ने ये फॉर्मूला नोट कर लिया होगा, मुझे बस इतना कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं आगे बढ़ाऊंगा कि आपने नोट किया है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज डिफाइंड एज ई डॉट डी एस, और वेयर अगर आप चाहें तो इसको ई का मैग्नीट्यूड इंटू डी एस का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस। अब बेटा मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, कहाँ बच्चे गलती करते हैं, कभी भी उनसे जब फ्लक्स निकालने को बोला जाता है तो कहाँ पे गलती करते हैं। मैं थोड़ा सा डेटा को क्लियर करता हूँ और आप लोगों से एक सिंपल सी बात पूछता हूँ। सपोज मैंने बच्चों से बोला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका एक मैग्नीट्यूड दिया है 20। बेटा अब तक मुझे उम्मीद है अगर आप एनसीईआरटी को खोल के पढ़ोगे तो आप इसका मैग्नीट्यूड की यूनिट लिख पाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर कूलम। आपको कोई एक सरफेस एरिया कुछ ऐसे दे दिया है, ऐसे करके ये सरफेस एरिया है। आई होप बेटा सारे बच्चे इमेजिनेशन को अपने साथ रखेंगे, और फिर ये एंगल आपको दे दिया है 30 डिग्री। और ये जो सरफेस एरिया है इसका, एरिया का सरफेस एरिया आपको दे रखा है एरिया का 2 मीटर स्क्वायर। फिर वो आपसे लैंग्वेज क्या पूछेगा, बेटा सुनना प्लीज, इस लैंग्वेज से फेमिलियर हो, वो आपसे पूछेगा कितना फ्लक्स इस एरिया से गुजर रहा है, या आप अपनी भाषा में समझना कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस इस एरिया से गुजरेंगी। यही दो क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के पूछेगा। अगर उसे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पूछना है तो दे विल आस्क इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग दिस एरिया, दिस विल बी देयर लैंग्वेज। आप आंसर बताइए बेटा। हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा फ्लक्स का? अर्चना बेटा आर यू देयर? यस सर। हाँ तो कैसे कैसे करोगे, स्टेप्स बताओ, बच्चों ने आंसर बताया, आप स्टेप्स बताओ। स्टेप वन सर, ई का मैग्नीट्यूड 20 इनटू 2 इनटू कॉस 30 इनटू 2 इनटू कॉस 30। को लग रहा है कॉस 30 लेना चाहिए। अच्छा ये बताओ मुझे एरिया वेक्टर में एरिया का डायरेक्शन कहाँ लेते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया परपेंडिकुलर टू द सरफेस बेटा। अच्छा एक चीज बताओ, जो एरिया आपको मैंने दिया था उसका परपेंडिकुलर कहाँ आता बेटा? ऐसे आता ना साइन वाले कंपोनेंट। हाँ बेटा ये वाला तब आप लेते 60 डिग्री ना, क्यों? क्योंकि एंगल लेना है एरिया वेक्टर, ये देखो एरिया वेक्टर बेटा, प्लीज उसको वेक्टर की इज्जत दो, डायरेक्शन कहाँ है उसका? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आपको उसने एंगल किसके बीच में दिया, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, बट हमको एंगल किसके बीच में लेना है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो हमारा एक्चुअल आंसर बेटा, आप पीएसईआर बोर्ड के पेपर देखना, वो बार बार ये क्वेश्चन आपको देता है लगातार, जो 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें आएगा आपको ये क्वेश्चन। अब जरा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया कितना आ गया 2, और कॉस ऑफ क्या लेंगे हम लोग 60 डिग्री, कॉस 60 कितना आता है बेटा 1/2। तो बेटा हमारा आंसर फाइनली कितना आया 20। तो जो बच्चे इसमें कॉस 30 ले लेते वो एक ब्लंडर और हमारा मार्क्स कट जाता। अब मैं आप पूरी क्लास से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते मैं उसी फॉर्मेट में पूछूंगा, फ्लक्स का डायमेंशन लिख के बताओ, राइट द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जल्दी से बेटा। आप चैट बॉक्स में बता सकते हो या यू कैन राइट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, प्लीज टेल द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। सर m l क्यूब t^-3 और फिर a^-1।
यस सर सेम. ठीक है गुड बेटा. कितने बच्चों ने निकाला अभी? आई होप बेटा सारे बच्चे ट्राई कर रहे होंगे. हाँ कोई बच्चा लिखने वाला है क्या बेटा? एक बच्चा लिख देगा तो सबको पता लग जाएगा. केजी, एक बच्चे ने लिखा केजी, मीटर स्क्वायर, केजी मीटर क्यूब बाई टी क्यूब. क्या बेटा ये लिख रहे हो आप? ML. बेटा देखना, याद रखना जब हम केजी वीजी लिखते हैं तो हम उसको SI यूनिट लिखने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिट लिखना चाह रहे हैं. बट जब हम ML टाइप का लिखेंगे तब हम क्या लिखना चाह रहे हैं? हम उसका डायमेंशन. कई बच्चों ने चैट में भी भेजा है बेटा मुझे, और देखते हैं उन्होंने क्या भेजा है चैट में. हाँ आलिया ने भेजा है, सागरिका ने भेजा है, और अभी दो बच्चों ने भेजा है मुझे. ठीक है बेटा. वैसे जो श्रेष्ठ ने लिख के बताया है स्क्रीन पे, राहुल ने लिख के भेज दिया है बेटा. ठीक है चलो. मेरा भी वही था. मेरा मैसेज तो तुम लोग को चला गया कि वी हैव टू नो द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स. अभी मैं दोबारा आता हूँ बच्चे. मैंने बोला क्या, पहला एक या लाइन याद रखना कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में, वो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल लेते हैं. और हमें लेना किसके बीच का एंगल है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का. हाँ बेटा. बेटा एल, बेटा तेजस एक बार दोबारा चेक करना अपना आंसर. बेटा कई बच्चे अलग अलग आंसर भेज रहे हैं तो मैं बस इतना बोल देता हूँ, इट्स वेरी सिंपल. अगर आप इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को, बेटा देखो इससे मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन बनेगा. आपको ई डॉट डी एस लिख रहे हैं ना, तो फ्लक्स में आप सिंपली डायमेंशन पुट कर दो उसके. सरफेस एरिया का डायमेंशन क्या होगा? मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी आप एफ बाई क्यू लिख लो. फोर्स को कैसे लिख सकते हो बेटा आप? मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी एम एल टी माइनस टू. इंटू एल स्क्वायर. और चार्ज को आप लिख सकते हो करंट इंटू टाइम, यानी आप क्या लिख दोगे? एम्पेयर इंटू टाइम. तो जिस भी बच्चे ने निकाला है उसका आंसर जरूर ऐसा आना चाहिए, एम एल क्यूब टी माइनस टू और ए की पावर माइनस वन. बेटा बहुत सारे बच्चों ने चैट पे भेज दिया है, आई गेस बच्चे समझे होंगे एम्पेयर्स में आना चाहिए था. हम देख पा रहे हैं कि चैट में, हाँ बेटा सारे बच्चों का आया है. गुड बेटा. मैं सब बेटा मैं चैट सारे पढ़ता हूँ. वट एवर यू विल राइट, मैं 10 सेकंड का जब भी ब्रेक ले रहा हूँ या गैप में गया कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग चैट्स. हाँ बेटा लगभग सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है. ठीक है बेटा कोई बात नहीं. बट बेटा हमें ऐसा जो डायमेंशन लिखते हैं हम हमेशा बेसिक्स में लिखेंगे, तो हमको चार्ज को ए लिखना ही पड़ेगा, मतलब ए टी को लिखना ही पड़ेगा, ऐसे सिंबल्स यूज करने ही पड़ेंगे. बेटा लगभग सारे बच्चे बात सीख गए, मैं आगे बढ़ता हूँ. अब बेटा मैं बड़ा क्लासिकल क्वेश्चन पूछूंगा जो ये कंफ्यूज करता है बच्चों को. बेटा कितने बच्चों को याद है, आई होप सारे बच्चों को ये पता होगा कि कॉस का ग्राफ ऐसा होता है. मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कॉस के ग्राफ में कोई डाउट होगा. बेटा प्लीज अगर फिर भी डाउट हो तो मुझे बताना. जब भी हम कॉस थीटा को प्लॉट करते हैं थीटा के साथ में, तो हम लोग देखते हैं ये कॉस थीटा है और ये थीटा है. तो बेटा आप ऑब्जर्वेशन जरूर रखना कि जब थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होती है. देखो पता सारे बच्चों का, मैं बस चाहता हूं कि तुम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स से उसको कनेक्ट करो. मैं क्या देखता हूं, जब थीटा 90 से 180 के बीच में होता है तब वैल्यू कहां से कहां होती है?
जीरो से लेके माइनस वन, यानी कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है जब एंगल ऑब्ट्यूज होता है और पॉजिटिव होती है जब एंगल एक्यूट होता है. पॉजिटिव नेगेटिव. आई होप बेटा ये बात सबको जाके कहीं ना कहीं समझ आई होगी. बचपन से तुम, बचपन नहीं तो कॉस थीटा पूरा 0 से 180 क्लास 11 से तो पढ़ ही रहे हो. क्लास 10 तक 90 डिग्री पढ़ाई था तुमने. अच्छा मुझे एक चीज बताने की कोशिश करो. बेटा मैंने अभी तुम लोग को बोला था कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर लेते हैं. तो सपोज आप मुझे बताओ कि मैंने कोई तुम्हें सरफेस एरिया दिया ऐसे स्ट्रेट टाइप, मतलब एक वर्टिकल प्लेन में एक सरफेस एरिया रख दिया. कोई एक बच्चा अपना चैट हाँ बेटा मैं देता हूँ ना. बेटा लेमन एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको. एक बच्चा पूछ रहा है सर कैन यू गिव ए वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स. बेटा देखो ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू किसी एरिया से परपेंडिकुलर उस एरिया के, मतलब जैसे मान लो यहां से मैं बोला कि 15 लाइन क्रॉस कर रही है तो ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स 15 आ गया मैग्नीट्यूड में. अगर ये लाइन 15 होती तो मान लो यहां से दो तीन लाइन इससे पास ही नहीं कर रही है तो हम उनको नहीं गिनेंगे. जितनी ज्यादा लाइन पास कर गई, अगर मैंने एरिया बड़ा ले लिया तो मुझे ज्यादा लाइन मिलती यहां से, तब मैं बोलता नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है. बेटा आपको अगर सही में फीलिंग लेनी है तो आप ऐसा सोचो. एक सेकंड रुको बेटा, इस बच्चे का क्वेश्चन अच्छा है तो मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ. फिर मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैं पूछने वाला था. जैसे एक पॉइंट चार्ज है, हम मानते हैं कि इस चार्ज से खूब सारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं. मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था हम इस लाइन्स चार्जेस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जितनी ज्यादा लाइन्स चार्ज हैं वो शो करता है कि फ्लक्स कितना, चार्ज कितना बड़ा है. मतलब अगर मैं 10 कूलम का चार्ज ले रहा हूँ और उससे मैं बोल रहा हूँ 500,000 रेज निकल रही है, ऐसा सोच लो. तो अगर मैं 20 कूलम लूंगा तो मैं 1,000,000 रेज निकालूंगा. मतलब 10 कूलम से 500,000 तो 20 कूलम से, हाँ बेटा आप कह सकते हो. हाँ बिल्कुल सही बेटा. वो बच्ची पूछ रही है कि ये इंटेंसिटी जैसा कुछ है, तो आंसर है हाँ बेटा. इंटेंसिटी में हम पढ़ते नहीं थे एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये थोड़ा थोड़ा वैसे ही है. हम कुल मिला के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसा देख सकते हैं कि किसी चार्ज से कुछ इमेजिनरी नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स निकलती हैं. जितना बड़ा चार्ज होता है उससे उतनी ज्यादा लाइन्स निकलती हैं. मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर तुमने 10 कूलम से दो लाइन माना इवनली निकलते हुए, तो 20 कूलम से ये लाइन नंबर ऑफ लाइन्स को चार मानना पड़ेगा. अब अगर मैं इसके पास में खड़ा हूं तो मैं देखता हूं कि नंबर ऑफ लाइन्स जो गुजरेंगी वो ज्यादा होंगी. मुझे बस इस एरिया से निकलने वाली नंबर ऑफ लाइन्स निकालनी है, दैट इज फ्लक्स इन लेमन टर्म्स, नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द गिवन एरिया. अब बेटा मैं उस क्वेश्चन पे आता हूं जो मैं पूछ रहा था. मैंने एक एरिया ले लिया, मैंने आप लोग को ये एरिया देके पूछा कि सपोज बेटा इस एरिया के तो दो दो डायरेक्शन हो सकते हैं, विच डायरेक्शन यू विल टेक? आप इसको एरिया का डायरेक्शन लोगे या इसको? बेटा खुद ही सोचो ना कि मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि ये ऊपर जो ऊपर लाइन जा रही है ये हमारा जेड है सपोज, और ये जो ऐसे लाइन जा रही है ये हमारा वाई है. आप मुझे बताओ आप प्लस एक्स को या माइनस एक्स को किसको डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर बोलोगे इस गिवन एरिया का? हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा डायरेक्शन होगा? क्यों प्लस एक्स को हमने बोला? मतलब समझो तुम्हारी जो कॉपी अभी तुम्हारे सामने पड़ी है वो हवा में उड़ रही है. जस्ट ट्राई टू सी कि तुम्हारी कॉपी हवा में उड़ रही है और हॉरिजॉन्टल हो. अब तुम बताओ एरिया वेक्टर को ऊपर की तरफ देखोगे, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड? क्वेश्चन ये है. क्यों आपके मन में ख्याल आया कि प्लस एक्स डायरेक्शन होना चाहिए? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? सपोज एक बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप समझ पा रहे हो तो मैंने आपको कॉस का ग्राफ बनाया था, क्या वो अननेसेसरी? आओ देखते हैं. मैंने आपसे बोला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स को हम ई डॉट डी एस लिख रहे हैं,
अगर हमने फ्लक्स को ई डॉट डी एस लिखा है बेटा, तो हमने लिखा उसे मॉड ई मॉड डी एस कॉस थीटा, यानी आखिरी में कॉस थीटा आया, आखिरी में कॉस थीटा आया बेटा, और दो टर्म पहले आए मॉड ई और मॉड डी एस। बेटा ये दोनों तो प्योर पॉजिटिव रहे, ई और डी एस पॉजिटिव रहे और आखिरी में आया कॉस थीटा। बेटा मॉड हमेशा पॉजिटिव रहता है, यानी जो हमारा कॉस थीटा होगा उसका जो भी साइन होगा, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, बेटा कॉस जीरो भी आ सकता है, जो भी साइन कॉस थीटा का होगा वही डॉट प्रोडक्ट का साइन होता है। ये हमने बात क्लास 11th में भी पढ़ी थी, वॉट एवर इज द साइन ऑफ द कॉस थीटा दैट विल बी द साइन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। लेकिन कॉस थीटा का साइन डिपेंड करता है कि एंगल कितना है। अगर एंगल एक्यूट है तो कॉस थीटा हमारा पॉजिटिव था, एंगल अगर राइट एंगल है तो हमारा कॉस थीटा जीरो है। अगर हमारा एंगल ऑब्ट्यूज है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स या कॉस थीटा नेगेटिव होगा। अगर तुम्हें ये मेरी बात समझ आई तो सपोज जिस बच्चे को मैंने एक ऐसा डायग्राम दिया कि देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो जो बच्चा पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेता उसके लिए सरफेस एरिया ई डॉट डी एस पॉजिटिव आता, फ्लक्स पॉजिटिव आता, लेकिन जो बच्चा एरिया को नेगेटिव लेता मतलब एक्स माइनस एक्स के अलोंग लेता तो उसका फ्लक्स नेगेटिव आता। मैं दोबारा से स्लो भाषा में बोलता हूँ, जंग इस बात की है कि तुमने किसी भी गिवन एरिया को बना तो लिया, पर हर एरिया के दो सरफेस होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन होते हैं बेटा हर चीज के। अब इसी फिगर में अगर मैं तुमको बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया है, तो जब तुम इस डायरेक्शन को लोगे तो इससे जो फ्लक्स मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। मैं दोबारा बोलता हूं, देखो अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को वो ग्रीन वाली लाइन बनाई है तब मैं क्या देख पा रहा हूं, मेरा येलो ये वाला एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पॉजिटिव फ्लक्स दे रहे हैं। बट यहां देखो एंगल कितना है इन दोनों के बीच में बेटा, पहले वाले केस में एंगल कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, जीरो डिग्री, तो वैल्यू प्लस वन हो गई, तो ई डॉट डी एस सिंपली ई इंटू डी एस हो गया। बट यहाँ पे एंगल कितना है 180, तो मेरा फ्लक्स कितना आया बेटा माइनस डीएस। ठीक है गुड, यानी यहाँ पे मेरा फ्लक्स नेगेटिव आ जाएगा। तो अब मैं किसको लूंगा, सच्चा किसको लूंगा, प्लस को लूंगा या माइनस को लूंगा, कैसे पता करूंगा? हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या लेंगे, अंदर वाला परपेंडिकुलर या बाहर वाला परपेंडिकुलर? सो कन्वेंशनली बाहर वाला लेते हैं ना। हाँ, हमेशा सपोज मैंने तुमको एक चार्ज दिया इस तरफ और तुमने एरिया वेक्टर ऐसे बनाया, उसके सामने एरिया ऐसे बनाई, तो हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ऐसे बनाएंगे जाते हुए और एरिया वेक्टर को भी डायरेक्शन बाहर वाला लेंगे। तुम कभी भी अगर मैंने सपोज चार्ज ऐसे बनाया कि चार्ज यहाँ है और तुमने उसके बाहर एक एरिया एज्यूम कर लिया स्फीयर टाइप का, तो हमारे पास चॉइस है कि हम एरिया वेक्टर को बाहर लें या अंदर। हम हमेशा कन्वेंशन के द्वारा एरिया वेक्टर कौन सा लेते हैं, बाहर वाला। मैं दोबारा बोलता हूं बेटा, अगर आप एक घर में रह रहे हो, जस्ट अपने घर को एक क्यूबॉइड समझो, अगर कभी भी किसी सरफेस पे जाके खड़े हो, देखो उस सरफेस को, तो क्या आप एरिया वेक्टर अपनी तरफ लोगे या बाहर की तरफ लोगे, दीवालों में बाहर की तरफ लोगे या अंदर की तरफ लोगे? तो आंसर है हम बाहर की तरफ लेते हैं एरिया वेक्टर को। दिस इज बाई कन्वेंशन चॉइस, ये वाला बाहर की तरफ, हम हमेशा बाहर वाला एरिया लेते हैं पॉजिटिव। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होता है, सरफेस के बाहर निकलता हुआ। अब फिर एक बच्चे के मन में ख्याल आएगा कि सर इस चीज में कौन सा अंदर कौन सा बाहर, अगर मैं एक वर्टिकल पेपर खड़ा कर दे रहा हूं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी यहीं से शुरू किया था। देखो एक कर्व सरफेस है, सपोज तुमने एक हॉलो शेल इमेजिन कर लिया, तब अंदर एक चार्ज रख लो, तब बड़ा इजी चॉइस है कि सर ये बाहर वाले को हमने एरिया वेक्टर पॉजिटिव ले लिया, ये बाहर था। बट अगर एक प्लेन पेपर है तो कौन सा बाहर है बेटा उसमें से, एक शीट दे रहा हूं, इफ आई एम टेकिंग ए शीट
which is inside, which is outside? How would you know? पहले से मतलब कुछ एक्सेस मेंशन होनी चाहिए ना बेटा. देखो मैं सारे बच्चों को चैट्स पर मैं आंसर देने जा रहा हूँ. देखो होता क्या है, अगर तुम्हें कोई सरफेस एरिया दिया हुआ है, इफ यू हैव गिवन ए सरफेस एरिया, तो हमेशा उसके बाहर वाला लेते हैं, ठीक है. लेकिन अगर तुम्हें कोई सरफेस एरिया ऐसे दे दे वर्टिकल वाला, तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देख कर आंसर दोगे. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख पा रहे हैं कहां पे है, हम उसी के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर को लेंगे. अब मुझे छोटे मोटे कुछ सिली सिली आंसर दो, बिल्कुल बच्चों वाले. मैं आप लोगों से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं. मैंने एक इमेजरी सरफेस बना दिया, बिल्कुल इमेजरी. अच्छा बेटा, मैं सरफेस बोलूं तो ऐसे थोड़ा एरिया वाला समझना, चद्दर वद्दर टाइप का या कुछ ब्लैंकेट टाइप का, कुछ वैसा अंदर उसके कुछ होना चाहिए. एरिया क्लोज कर दोगे तो वॉल्यूम बन जाता है, इतना याद रखना. मतलब ये 2D फिगर नहीं है, जो रेड रेड बनाया है ना बेटा, उसको आप क्रिकेट की बॉल समझ सकते हो, पर वो मत समझ लेना कि लाइक आप चाहो कि सर मैं सर्कल समझ लूंगा. सर्कल नहीं है बेटा, वो डिस्क नहीं है. मैं एक बार चैट देखता हूँ, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं. हाँ हाँ ठीक है बेटा, सारे बच्चे आंसर ही दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं सारे. अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पे क्यू चार्ज बनाया 2 कूलम्ब का. बेटा आई होप सारे बच्चों को रियल टाइम में चीजें दिख रही होंगी. आप लोगों को 2 कूलम्ब दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ सर. अच्छा यस सर. मैं आप लोगों से बारी बारी अलग अलग बच्चों से पूछता हूँ. सपोज मैंने यहाँ पे एक एरिया वेक्टर बनाया और एक यहाँ पे एरिया वेक्टर बनाया. अब आप मुझे बताओ, इन दोनों एरिया वेक्टर पे इस चार्ज की वजह से फ्लक्स पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, कितना आएगा? केस वन, केस टू. प्लीज आंसर देने. वन पे पॉजिटिव और टू पे नेगेटिव. हम लोग करेंगे कैसे इसको? हमारे कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है. अगर एरिया में, इस एरिया में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल एक्यूट है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा. अब तुम मुझे बताओ, प्लस 2 कूलम्ब से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है? स्ट्रेट अवे. इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्ट्रेट लाइन गोइंग आउटसाइड फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज. बेटा मेरे को चैट में भी आंसर मिल गया, बच्चों ने दिया, सारे बच्चों ने दिया. करीबन 8-9 बच्चे आंसर दे चुके हैं चैट में. बस बेचारे सारे बच्चे शाही शाही हैं, वैसे भेजते हैं, क्या कहते हैं उसे, प्राइवेटली. मैं ब्लू पे जाता हूँ, कलर ब्लू चुनता हूँ. और ये देखो, 2 कूलम्ब से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकला. अब तुम बताओ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है? व्हाट इज द एरिया एंगल? हमने क्या देखा, एंगल क्या है? एक्यूट. तो फर्स्ट वाले केस का आंसर है पॉजिटिव. और सेकंड वाले में अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इधर और एरिया वेक्टर जा रहा है इधर, तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसा होगा? ऑब्ट्यूज. दिस एंगल विल बी हाईली ऑब्ट्यूज. बेटा ध्यान से देखो, ये जाती एरिया वेक्टर, जो नीचे जा रहा है वो एरिया वेक्टर है. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे जाएगी, तो ये एंगल जो बनता हमारा वो ऑब्ट्यूज बनता. कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज हो तो फ्लक्स नेगेटिव जाएगा. अब मैं आगे बढ़ता हूं. कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आता है? मैं कोशिश करता हूँ इस बात से समझने के लिए कि हर बच्चा कहीं ना कहीं हाँ, बच्चे कुछ बता रहे हैं. बेटा बेटा मैं कोशिश करता हूँ, जितने भी आप लोग जैसे रेज हैंड से लेकर चैट, आप जो भी फंक्शन यूज करते हो, मैं सबको मॉनिटर कर रहा होता हूँ.
ठीक है हाँ, क्लास इलेवेंथ में एनसीईआरटी पढ़ते वक्त तुम लोगों ने ये देखा होगा, आई होप बेटा देखा होगा कि नहीं देखा होगा, ये मैं तुम पे छोड़ता हूं, पर ये होता है सॉलिड एंगल क्या होता है, अगर आपको सिंबल याद हो तो इस टाइप का बनता था सॉलिड एंगल का सिंबल, ओमेगा टाइप का। और इसकी डेफिनेशन क्या आती थी कि ये जो सरफेस एरिया है ना सी डी ए बी वाला जो आपको फिगर में दिख रहा है ये वाला बाई आर स्क्वायर और ये रेडियस, आई होप बेटा आपने ये देखा होगा, पर मैं मान के चल रहा हूं आपने ये बिल्कुल नहीं जानते, हो सकता है कई बच्चे सॉलिड एंगल पहली बार सुनेंगे। तो क्या सारे बच्चे स्क्रीन की तरफ देख पा रहे हैं? गुड। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो फिगर नंबर बी पे ध्यान देना, जस्ट ट्राई टू सी फिगर नंबर बी, आई विल गारंटी जिसको सॉलिड एंगल आता भी है थोड़ी देर में उसको एक नई चीज पता लगेगी। बेटा प्लीज देखो, हाँ बेटा जो बच्चा रेज हैंड कर रहा है एक बार मैं उसको, बेटा आप लोग चैट पे रिप्लाई करो जरा, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा बहुत अच्छा, कनिका ने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है बेटा, कनिका ने पूछा है बेटा गुड, आप पूछा करो बेटा ऐसा। और आप लोग देखो बेटा एक बात याद रखना, नो डाउट इज सिली, यू शुड ऑलवेज आस्क डाउट जो भी है टू एवरीवन। बेटा कोई बच्चे इसका आंसर दे सकता है? सर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट निकाल के उससे सर फिर डायरेक्शन डिसाइड करेंगे सर। गुड बेटा, सर वेक्टर एडिशन कर लेंगे। हाँ वेरी गुड, सारे आंसर सही हैं। गुड बेटा, सारे बच्चे चैट पे भी प्राइवेटली आंसर दे रहे हैं। गुड बेटा देखो एक बात समझो, ये दोनों क्वांटिटी जो ई और डीएस हैं, तुमने जो सरफेस माना है इसका डीएस का मैग्नीट्यूड तो तय ही है बेटा, जो सरफेस एरिया ले रहे हो उसका मैग्नीट्यूड तय है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर कितनी भी आ जाए 50 आ जाए 60 आ जाए 70 आ जाए, दे विल ऑलवेज हैव ए रिजल्टेंट। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर रिजल्टेंट पता लग जाए तो सरफेस एरिया का डायरेक्शन भी पता लग जाएगा। चलो हम लोग फिगर नंबर बी पे दोबारा आते हैं, हम लोग फिगर नंबर बी पे दोबारा आते हैं। तब तक बच्चे बेटा चैट भेजते जा रहे हैं। हाँ हाँ गुड बेटा, अब प्लीज जरा इस फिगर को ध्यान से देखो, अगर आपको याद है अर्चना बेटा आर यू देयर? यस सर। तो जो ये सॉलिड एंगल था ये डायमेंशनलेस था कि वाला है? डायमेंशनलेस था। अच्छा तो डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है? सर डायमेंशन से वन आएगा। अच्छा मतलब इसका फॉर्मूला कैसा भी बने कभी भी उसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं आ सकती, हमेशा रेशियो होगा। हाँ सर। तो सपोज इस एरिया को मैं एस कह रहा हूँ तो फॉर्मूला क्या था बेटा? एस बाय सर एस बाय आर स्क्वायर। अच्छा बेटा आई होप, देखो जगह लोकेशन चेंज हो सकती है, जैसे उड़ीसा में झालमुड़ी या कुछ कहते हैं बेटा, अगर आप बॉम्बे साइड में रहे हो तो भीलपुरी देते हैं ऐसे कोनिकल शेप में। बेटा 90% चीजें जिससे मैं कोरिलेट कर पाता हूँ वो खाना या तो पढ़ाई है। तो हम क्या देखते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है प्लीज ध्यान देना, वाई थ्रू सॉलिड एंगल, हम सॉलिड एंगल के थ्रू क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? कभी भी अगर मैं रेडियस को कम करता जाऊं तो मेरा सॉलिड एंगल चेंज नहीं होता, देखो नंबर ऑफ लाइंस उतनी रहेंगी। प्लीज इस डायग्राम की इंपॉर्टेंस की तरफ समझो, अगर मैंने यहां पे भी एरिया लिया तो ये एरिया S1 कम हो गया, ये रेडियस भी उस पॉइंट तक का कम हो गया,
सिर्फ क्या कॉमन रहा, ये एंगल। क्यों? जब एरिया कम हुआ तो रेडियस भी कम हो गया। प्लीज ध्यान देना बेटा, हम जैसे जैसे खाते जाते हैं कागज छोटा होता जाता है, बट वो एंगल जो है ना, सॉलिड एंगल, वो सेम रह जाता है। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया बाई आर स्क्वायर। अब इसमें चालाकी कहाँ आती है मैं बताता हूँ। बच्चा क्लास इलेवेंथ में फॉर्मूला पढ़ा रहता है, चालाकी ऐसे आती है कि वो तुम्हें तंग करने के लिए ये वाला फिगर दिखाएंगे। प्लीज ट्राई टू सी दिस फिगर। रुको 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 रुको, ये वाला फिगर देखो। क्या स्क्रीन पे सबकी फिगर बन चुका है बेटा, देख पा रहे हो? मैं ये वाला फिगर अंडरलाइन करता हूँ, प्लीज ध्यान से देखो। पहले फिगर नंबर ए, फिगर नंबर ए तक तुम बहुत खुश हो, जैसा पढ़ा था सर वैसा ही है, बचपन में यही पढ़ा था हमने फिगर नंबर ए वाला। अब फिगर नंबर टू पे जाओ। मुझे पता है अगर आप क्लास नोट्स बना रहे हो या साथ साथ पढ़ रहे होगे तो आपको ये देखने में टाइम लगेगा, नोट करने में टाइम लगेगा। जैसे आपने फिगर नंबर वन को देखा, आपने बड़ा देखा, बड़ा सिंपल सा है, सरफेस एरिया बाई आर स्क्वायर। लेकिन जरा फिगर नंबर बी को देखो, प्लीज नोट करो कि देखो वहां उन्होंने स्लाइस कैसा काटा है। बेटा एक चीज बताओ, अगर मैं आपको फीलिंग से बताऊं, किसी ने कभी सैलेड काटा है तो तिरछा करके काटोगे ना, ऑब्लिक एंगल पे, तो उससे जो डायमीटर ऑफ द कुकुम्बर चेंज नहीं होगा। मतलब कई बार डेल्टा एस आपको धोखा देना चाहेगा, देखो धोखा देना चाह रहा है, पर हम डेल्टा एस का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? परपेंडिकुलर वाला। प्लीज ध्यान से दो, हमको यहां पर यही डेल्टा एस लेना है, ये वाला ऐसे। इसीलिए हम डेल्टा एस का कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? डेल्टा एस कॉस अल्फा। प्लीज ट्राई टू सी, भले ही मैं दोबारा क्लियर करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, वो आपको बोलेंगे कि बेटा ऐसा देखो, ऐसा बनेगा, ऐसा। तुम बोलोगे ऐसे थोड़ी ना होता है, हम तो यही मानेंगे, ये वाला सरफेस एरिया। मेरी बात समझ पा रहे हो? हमें हमेशा सरफेस एरिया, और तुम्हें याद है एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड देयर परपेंडिकुलर इज सेम, तो बेटा इसलिए फर्क नहीं पड़ता। अगर ये ऐसे जाएगा और ये एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा तो अपने आप हमारा आंसर, बेटा मुझे येलो वाला एरिया लेना है, ये वाला एरिया लेना है, फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको बस बेवकूफ बनाने के लिए वहां पे सरफेस एरिया टेढ़ा कर दे रहा है। या तो आप इस चीज को समझ के लिख लो कि सॉलिड एंगल में हमेशा सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू कमिंग लाइंस लेते हैं, हमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है यहाँ पे उसके परपेंडिकुलर एरिया लेना है, ना कि कोई भी ऑब्लिक एरिया। इसलिए अगर आपको ये स्लाइस की तरह कटा हुआ दिखेगा और आपको ये दिया हुआ है कि ओरिजिनल लाइन से एंगल कितना बन रहा है इस एरिया वेक्टर का, तो आप डायरेक्टली इस एरिया वेक्टर को ऐसे लिख लोगे, डेल्टा एस कॉस अल्फा। हाँ बेटा, हाँ हाँ ठीक है बेटा। एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या सर हम यही कर रहे हैं ना कि रेडियस वेक्टर को और एरिया वेक्टर को, बेटा एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर नहीं, एरिया को पैरेलल लोगे, एरिया वेक्टर को उसके पैरेलल लेना है, बस हल्का सा मिस्टेक है, बाकी आपने सही बोला है। हमको टेक्निकली क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के परपेंडिकुलर एरिया लेना है। बट अगर एरिया परपेंडिकुलर लेंगे तो एरिया वेक्टर कैसा चला जाएगा? पैरेलल। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज बना रहा हूँ और यहाँ पे एरिया वेक्टर देख रहा हूँ, बेटा अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल एरिया वेक्टर है तो सरफेस एरिया कैसा होगा? उसके साथ परपेंडिकुलर। आई होप मेरी बात आपको थोड़ी बहुत समझ आई हो। मैंने आप लोगों से लास्ट वाला बात रिपीट कर दीजिए। मैं रिपीट करता हूँ, देखो बेटा मैं फिगर नंबर ए पे सब ध्यान से देखो। सपोज पॉइंट ओ पे चार्ज रखा है क्यू कूलम, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी बाहर की तरफ? मैं कभी भी बेटा वो चलाकी से ना, किताबों में ना कई बार चीजें इन बिटवीन द लाइंस लिखी रहती हैं, आपको बोलेगा हमें कौन सा एरिया लेना है,
एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो वो ये बोलेगा एरिया वेक्टर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एरिया वेक्टर का मतलब होता है ऑलरेडी परपेंडिकुलर। क्या आप लोग को मेरी बात समझ आई? मैंने आप लोगों से कहा आपको कोई ऑब्लिक एरिया नहीं लेना है, ऑब्लिक एरिया जैसा बनाया था नहीं, हमको कौन सा एरिया लेना है, ऐसा वाला, दैट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। सर तो मतलब प्रोजेक्शन लेने से हो जाएगा? हाँ, प्रोजेक्शन लेने से हो जाएगा। यानी अगर आपको कोई एरिया ऐसे दे तो आप कौन सा एरिया लोगे, ऐसे वाला? नहीं, मतलब हमको सिर्फ ये एरिया चाहिए जो चार्ज के ऐसे परपेंडिकुलर क्रॉस करे, यानी हमको ये वाला नहीं लेना है एरिया, हमको ये वाला एरिया लेना है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी आ रही है तो। कुल मिला के बेटा बात वही रहेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के परपेंडिकुलर रखने से मिलेगा। एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? क्या ये लाइन क्लियर है? अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस एंगल इज इंपॉर्टेंट? मैं थोड़ा सा मिटाता हूं और कुछ बात बोलता हूं। मैंने क्या देखा, एक चार्ज यहां पे पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, जो जितना बड़ा सॉलिड एंगल रखेगा उसको उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मिलेगी। फील्ड लाइंस इनफाइनेटली एक चार्ज से निकल के हर दिशा में, जैसे पॉइंट सोर्स समझो, लाइट का सोचो, हर दिशा में बिना, और ये 2D में नहीं जानती बेटा, 3D में जाएंगे। तो आगे चल के मैं किसी का सॉलिड एंगल जितना ज्यादा देखूंगा, मैं बोल दूंगा भाई तुम्हारे थ्रू उतना फ्लक्स उतना ज्यादा गुजरता है। जैसे अर्चना ने बोला कि सर मेरी जो झालमुड़ी या जो भेलपुरी है उसका सॉलिड एंगल सपोज 2 स्टेरेडियन है, और किसी और बच्चे ने बोला कि नहीं सर मेरी झालमुड़ी का जो एंगल है वो 1 स्टेरेडियन है, छोटा वाला एंगल। तो मैं बोलूंगा बेटा तुमको छोटा फ्लक्स मिलेगा और जिसका एंगल बड़ा होगा उसको बड़ा फ्लक्स मिलेगा। मतलब एंट्रेंस में हम कई सारे क्वेश्चन लॉजिकली स्टेरेडियन यानी सॉल्ड एंगल देख के टिक कर देंगे, जितना ज्यादा स्टेरेडियन उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? हमने सॉलिड एंगल क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग ये देख पाए कि फ्लक्स आगे चल के किसके प्रोपोर्शनल होगा। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हमारा सॉलिड एंगल के प्रोपोर्शनल होगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ बेटा, थोड़ा सा। कुल मिला के हमारा सॉलिड एंगल ये हुआ, इसका फायदा क्या हुआ सॉलिड एंगल निकालने का? और मैं एक काम करता हूं, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं, उस पर समझाने की कोशिश करता हूं। आई होप आपको व्हाइट स्क्रीन दिख रही होगी हमें। यस सर। अब एक काम करते हैं बेटा, चैट में कुछ आ रहा है, मैं चैट पढ़ता रहता हूँ बेटा साथ में, थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं चैट पढ़ रहा हूँ बेटा। हाँ बेटा देखो, होता क्या, एक पॉइंट चार्ज है, अगर मैं सरफेस एरिया, अगर आपको कंप्लीट सॉलिड एंगल याद हो तो हमने बोला था फॉर्मूला होता है एरिया बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं एक पॉइंट सेंटर पे जो है स्फेयर के सेंटर पे, उस वो कितना एंगल बनाएगा, तो हमारा क्या एरिया कितना आता है बेटा, सरफेस एरिया कितना आता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं हर एरिया को देखूंगा तो कितनी दूर होगा, आर आर, तो रेडियस का स्क्वायर कितना रहेगा, कांस्टेंट। तो सॉलिड एंगल आ जाएगा एरिया डिवाइड बाई रेडियस का स्क्वायर, यानी 4 पाई, बस यूनिट क्या लिखोगे, स्टेरेडियन। व्हाट यूनिट वी विल राइट, राइट स्टेरेडियन, स्टेरेडियन मतलब सॉलिड रेडियन टाइप का, स्टेरेडियन। आई होप आप पूरा समझ जाओगे, मैं पूरा नहीं लिख रहा, स्टेरेडियन लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक लॉजिकली समझाता हूँ, वो कहाँ लेके जाना चाहता है आपको,
वो डायरेक्टली आपसे ऐसे पूछेगा। और एक और चीज कि शायद हर बच्चे को ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो बस ये इसको आप ढंग से नोट कर लो। सपोज मैंने तुमको एक एंगल दिया, मैं देखता हूं, मैंने क्लास 11th में बोला था मुझे याद चाहिए, कितने बच्चों ने याद किया था। अगर मैंने एक कोण लिया और ये सेमी वर्टिकल एंगल दिया थीटा, तो ये एंगल ये कितना एंगल होगा बताओ। मतलब अगर तुमको ये थीटा है मैंने सेमी वर्टिकल एंगल, तो ये सरफेस एरिया कैसे निकालोगे तुम? ये सॉलिड एंगल बताओ मुझे कितना होगा, ये सॉलिड एंगल कितना आएगा अगर मैंने तुम्हें किसी कोन का, बेटा एवरी कोन या बर्थडे कैप को तुम साइड से देखोगे तो तुम्हें ट्रायंगल ही दिखेगा। मैं तुमको उसका सेमी वर्टिकल एंगल दे रहा हूं थीटा, तो तुम मुझे उस बर्थडे कैप का एंगल बताओ, कौन सा वाला सॉलिड एंगल, बर्थडे कैप का सॉलिड एंगल बताओ बेटा। व्हाट इज द सॉलिड एंगल ऑफ द बर्थडे कैप बेटा? ऐसे करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर से जो आगे वाला सर्कल है उसका रेडियस निकाल लेंगे, सो वो आ गया तो फिर बेटा देखो मुझे ये एंगल निकालना है, तुम अंतर समझो। कई बच्चे सोच रहे हैं कि टू थीटा आंसर हो जाएगा, बेटा हम लोग ये लाइन नहीं बना रहे हैं, जैसे ये लाइन होता तब ये थीटा होता तो बचा वाला टू थीटा हो जाता। मेरे को बेटा इसकी डेरिवेशन नहीं चाहिए, मुझे इसका आंसर चाहिए डायरेक्टली। मैंने आपसे बोला मुझे सॉलिड एंगल बताओ, मैंने आपको सर थीटा इनटू वन माइनस कॉस अल्फा थीटा। आपसे समझो बेटा, आपको एक वर्टिकल एंगल दिया थीटा, फिर आपको बेटा मैंने ये वाली चीज बना के दी, मुझे ये सॉल्ड एंगल चाहिए। आप आज के बाद याद रखोगे सर पाई थीटा स्क्वायर? नहीं बेटा, माइनस कॉस थीटा। बेटा आप लोग को कहाँ दी थी एनसीईआरटी में? पाई कॉस स्क्वायर थीटा। पाई कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बेटा। और बेटा ये आंसर स्टेरेडियन स्टेरेडियन में आएगा। अगर आप चाहो तो आराम से गूगल पे इतना सर्च करना, इफ सेमी वर्टिकल एंगल इज गिवन देन व्हाट इज व्हाट विल बी द सॉलिड एंगल, आपको तुरंत मिल जाएगा। बट ये आपको स्टार्टिंग में मैंने याद करने को बोला था, मैं लिख देता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा। ऐसे देखो आंसर आएगा 2π 1 cos θ, ठीक है? फिर भी एक बार नेट से वेरीफाई कर लेना बेटा। बस लॉजिक क्या है ना, कई बार आपको इन सब फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली सॉलिड एंगल कहाँ कम और ज्यादा होगा उसको सोच के आंसर दे सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या आया, तो हमेशा याद रखना इसकी यूनिट स्टेरेडियन में आई, दिस 2π 1 cos θ इज इन स्टेरेडियन। इज इट क्लियर बेटा? ये आप लोग को स्टार्टिंग में कहाँ कहाँ मिल जाएगा, NN घोष में स्टार्टिंग में मैथमेटिकल इंडेक्स दिया है उसमें दिया हुआ है, नहीं तो बेटा अभी मैंने बताया गूगल कर लेना कि अगर आज के बाद मुझे सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है ये थीटा, तो मेरा सॉलिड एंगल कितना आएगा। दिस सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा, व्हाट विल बी माय सॉलिड एंगल। बेटा इसकी इंपॉर्टेंस है, अभी शायद आपको ना दिखे बट आगे चल के हम लॉजिकली इस पे क्वेश्चन कर पाएंगे। बेटा क्या ये आपको थोड़ा सा समझ आया? क्या हम लोग सॉलिड एंगल को थोड़ा सा समझ पाए? अब मैं दोबारा से स्क्रीन पे लाता हूँ। सर मतलब उसका कोई डेरिवेशन है? नहीं नहीं बेटा आपके कोर्स में तो नहीं है, इसमें दिया है, देखो हाँ दे रखा है ना, हाँ ये देखो। डेरिवेशन कर भी सकते हैं बेटा, लेकिन देखो ना हम क्यों इतनी मेहनत करें, हमको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। क्या बेटा आप लोग को स्क्रीन दिख पा रही है? ये देखो एरिया आ गया। Yes, sir. अच्छा सॉलिड एंगल कितना आ गया बेटा हमारा? 2π 1 cos α। बेटा प्लीज ट्रस्ट मी, मैं आपको तो बोलूं वही पढ़ा था, हमें सिर्फ अगर सेमी वर्टिकल एंगल थीटा दिया है तो सॉलिड एंगल 2π into 1 cos θ इतना याद है, काफी है। हम लोग को कहीं ना कहीं जे के सिलेबस पे रहना है, ये भी सिर्फ इसलिए बता दिया कि लॉजिकली हम कनेक्ट कर पाए।
बेटा देखो अभी तक मैंने पूरी कोशिश की कि मैं गॉस लॉ पढ़ा सकूं, पर मैं घूम फिर के सिर्फ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पढ़ा पाया, पर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की ही कहानी गॉस लॉ है। तो गॉस लॉ समझने की कोशिश करते हैं। बेटा इज इट ओके कि मैं क्लास, आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? बेटा नेक्स्ट क्लास कब तक है? 8 to 9:30 तो थोड़ा सा मैं आगे खींच रहा हूँ बेटा टाइम, ठीक है? अभी टाइम है, और आप लोग चाहो तो बीच में कुछ खाते पीते रहना, लेकिन क्लास थोड़ा बढ़ाता हूँ मैं। तो गॉस लॉ टेक्निकली क्या कहना चाहता है और समझाने की कोशिश करते हैं। बेटा बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है कि शो दैट गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ सेम, कोई अंतर ही नहीं दोनों में। मैं अभी आपको वही दिखाता हूँ पहले कि मैं क्यों कहता हूँ देयर इज ओनली टू लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वन इज चार्ज कंजर्वेशन एंड अदर इज कूलम्स लॉ। बेटा चार्ज कंजर्वेशन मतलब जब जाओगे इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा, और कूलम्स लॉ सिंपली कहता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शो करते हैं, और मैग्नीट्यूड हमें मिल जाता है के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर से। अब जरा गॉस लॉ समझने के लिए मैं एक सिंपल सा डायग्राम पे आता हूँ, और यहाँ हमारा कोई स्ट्रेस इस बात पे नहीं होगा कि हम गॉस लॉ की डेफिनेशन तक जाएं। मेरा स्ट्रेस सिंपली एक पॉइंट चार्ज लेता हूँ मैं। सपोज मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, और बेटा क्या ये पॉइंट चार्ज दिख रहा है, छोटा सा येलो डॉट, काफी छोटा येलो डॉट बनाया है मैंने। उसके अराउंड आपने इस चार्ज को एक जगह रख दिया, उसके बाद एक इमेजरी सरफेस सोचा जो उससे सिमेट्री पे हो। अच्छा बताओ अगर मैं किसी चार्ज को पॉइंट चार्ज बोल रहा हूँ तो व्हाट इज द सिमेट्रिकल सरफेस जो उसको एनकम्पास कर सकता है, अपने अंदर रख सकता है, बताओ कौन सा होगा? बेटा स्फीयर होगा। सर क्या आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? हाँ बेटा, मैंने बोला अगर कोई पॉइंट चार्ज है, सपोज देयर इज अ पॉइंट चार्ज लाइक क्यू, तो उस पॉइंट चार्ज से ऐसा कौन सा सरफेस एरिया हम क्रिएट कर सकते हैं कि चार्ज सेंटर पे आ जाए, सिमेट्री पे आ जाए? स्फीयर। हाँ बेटा स्फीयर ही एक आंसर है, ठीक है? अब चलो मुझे बेटा ये एक सिंपल सी चीज है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि शो दैट कूलम्स लॉ एंड गॉस लॉ आर सेम थिंग, और या तो बोलेगा डिराइव गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ। मेरा टेंशन आपको समझाने का है कि कूलम्स लॉ एक्चुअल चीज है और गॉस लॉ उसका जस्ट एक सिमेट्रिकल केस है। बेटा कुछ बच्चे चैट पे पूछ रहे हैं, लेट मी आंसर देम। हाँ हाँ बेटा बच्चे आंसर दे रहे थे, ठीक है ठीक है बेटा, ओके गुड। हमने अच्छा ये सरफेस कैसा था बेटा, रियल है कि इमेजरी है? सरफेस इज प्योरली इमेजरी, गॉसियन सरफेस इज आवर, मतलब वो हमारा ब्रेन का चाइल्ड है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? अब चलो मुझे एक चीज बताओ, कोई भी सरफेस एरिया छोटा सा ले लो कहीं पे भी डीएस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे पास करेगी बेटा इसके थ्रू, बताओ? ऐसे ऐसे कहीं पे भी सरफेस एरिया ले लो, छोटा सा भी छोटा ले लो, कहीं भी ले लो, एरिया के डायरेक्शन में ही जाएगी। हाँ बेटा, यानी हर जगह अगर मैं आपसे इस चार्ज की वजह से सरफेस एरिया पे फ्लक्स निकालने को बोलूं तो फॉर्मूला कैसे करोगे बेटा? व्हाट विल बी द फ्लक्स? सर ई इंटू डी एस। ई इंटू डी एस हर जगह का ना, हर छोटे छोटे एरिया डीएस होगा। यस सर, डीएस ई डी एस हर जगह का है। अच्छा बेटा मैग्नीट्यूड में ई कहीं पे भी अलग होगा क्या, अगर सिमेट्री में ले रहे हो तो? अगर चार्ज सेंटर में है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सेम, के क्यू बाई आर स्क्वायर। जब चार्ज सेम है, के सेम है और आर भी सेम है, तो तुमको नहीं लगता हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होगा मैग्नीट्यूड में, हर इलेक्ट्रिक फील्ड? इसको लो, चाहे अगर मैं इसको लूं और ऊपर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लूं तो दोनों अलग अलग हैं डायरेक्शन में, बट मैग्नीट्यूड में दोनों के क्यू बाई आर स्क्वायर ही होंगी। अच्छा ठीक है, हर जगह ई सेम है, हर जगह मैं डीएस को एक ही एरिया लेता हूँ छोटा छोटा, तो हर जगह जो ई डी एस मिलेगा वो मुझे सेम मिलेगा, है ना बेटा? यस सर। इंटीग्रेशन को पिक्चर में लाता हूँ मैं, सारा ई डी एस पूरी बॉडी का ई डी एस हर जगह का ई डी एस ऐसे मल्टीप्लाई कर करके जोड़ देता हूँ,
तो मैं ई को बाहर निकाल लेता, अभी मुझे ई पता ही नहीं कितना है, मैंने ई को बाहर निकाल लिया। सोचो मुझे कूलम से जो फॉर्मूला आता है ना, इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, मुझे भगवान ने सपने में दिया ही नहीं, मुझे भगवान ने आके बताया नहीं कि कूलम्स लॉ में k q1 q2 / r² होता है। बेटा कूलम्स लॉ से निकाला था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन वन कूलम चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो q2 1 कूलम हो गया था। तो अब मैं क्या मानूंगा कि मुझे वो पता ही नहीं है। अब मैंने आपको सिंपली टास्क दिया, कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फॉर दिस q पासिंग थ्रू दिस सरफेस एरिया। सारे बच्चे e.ds कर देंगे, e बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा ds का इंटीग्रेशन, क्योंकि ई सबके लिए सेम था, और ds का इंटीग्रेशन मतलब सरफेस एरिया को जोड़ना। क्लास में एक बच्चा भी नहीं है जिसको पता ना हो कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विल कम एज 4πr², यानी मेरा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, यानी मेरा e.ds, जब मैं पूरी तरह जोड़ लूंगा बेटा, जब मैं e.ds को पूरी तरह से जोड़ लूंगा तो मुझे सिंपली मिलेगा e × 4πr², ये जो सरफेस एरिया है जुड़ने के बाद इतना मिलेगा। अब वो चलाकी से बोल देता है कि ये जो फ्लक्स है ना, जो आपने इस चार्ज की वजह से इस एरिया पे फ्लक्स निकाला है, गॉस लॉ ये बोल देता है, ये अंदर फंसे हुए उस सरफेस एरिया के अंदर फंसे हुए चार्ज बाई ई नॉट के बराबर होता है। क्यू इन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इस पर पूरे 4, 5, 10, 15 सवाल पूछूंगा। गॉस लॉ की स्टार्टिंग समझनी है, उसने बोला फ्लक्स निकालो और क्यू इन बाई ई नॉट के बराबर कर दो। अच्छा, क्यू इन बाई ई नॉट के बराबर करके आपको क्या मिला बेटा, ध्यान से देखो, हमने जैसे ही फ्लक्स को की डेफिनेशन क्या मिल गई बेटा, e इंटू अगर 4πr² e इंटू, अब बेटा हमको पता ही नहीं था e क्या है, हमें वो गॉस लॉ दे देगा, गोले का गॉस लॉ क्या होता है, ऐसा लिखा रहता है, गॉस लॉ को वो लोग ऐसा लिख देते हैं बेटा कि e इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds। बेटा पता है मैं इसको तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा, जल्दी नहीं है बेटा मुझे कोई, बस मैं तुम्हारे मन में अंदर ना अंदर जहां भी तुम सोचते हो डीप डाउन ये समझाना चाहता हूं कि कभी भी गॉस लॉ कोई नया लॉ नहीं है, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द कूलम्स लॉ। ई डॉट डी एस को वो क्यू इन बाई ई नॉट बनाते हैं, और यही चीज सिखाने की शुरुआत में पॉइंट चार से कर रहा हूं। हमने इन दोनों को इक्वेट किया, बेटा ई डॉट डी एस था क्या, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, हमने जब पॉइंट चार से निकाला तो हमने देखा कि ई डॉट डी एस हमारा आ गया ई इंटू 4πr², और जो क्यू इन था वो क्यू था, तो इससे गॉस लॉ से बैक जब सॉल्व कर रहा हूँ, बैक जाके मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता बाई कूलम्स लॉ, लेकिन अगर मैं गॉस लॉ से सॉल्व कर रहा हूँ हर जगह ई सेम होगा, मुझे इतना पता है बाई लॉजिक सिमेट्री, अगर मैं एक पॉइंट चार्ज रख रहा हूँ तो मुझे इतना पता है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम दूरी पे सेम मैग्नीट्यूड पे होगी पॉइंट चार्ज से, अगर पॉइंट चार्ज सेंटर पे है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, तो ई बाहर आ जाएगा, डीएस डीएस जोड़ूंगा तो 4πr² मिल जाएगा, यानी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आ गई क्यू बाई 4πr² इंटू ई नॉट। अब तुम्हें बचपन से पता है 1/4πe0 को आप लोग 1/4πe0 को आप लोग k बोलते हो, तो हमें गॉस लॉ से मिला इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है KQ/r², यही तो हमें कूलम्स लॉ से भी मिलता था, हमने गॉस लॉ यूज करके देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है KQ/r². अब मैं तुमको फिर से लिखता हूँ बेटा, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ, फुल फ्रेश स्टार्ट। बेटा बुक्स में वो ऐसा लिख देगा कि एक इमेजरी सरफेस है, वो एक इमेजरी सरफेस दे देगा और बोलेगा इसके अंदर खूब सारे चार्ज हैं Q1 Q2 Q3, खूब सारे चार्ज दे देगा, ठीक है बेटा, और फिर बोलेगा ये इमेजिनरी एक सरफेस है, प्योरली इमेजिनरी सरफेस, दिस इज ए इमेजिनरी सरफेस, ठीक है। अब ये बेटा एक बात बताओ, तुम इस इमेजिनरी सरफेस को कैसे इमेजिन करते हो, क्या ये कोई धागा है या वायर है जो आपको क्लोज कर रहा है, कि कोई ब्लैंकेट है जो आपको फुल्ली क्लोज कर रही है, एरिया है बेटा, अच्छा, इन Q1, Q2, Q3 को, बेटा देखो मैं
गॉस लॉ बड़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा, आज मैंने सिर्फ फ्लक्स पढ़ाया है। Q1, Q2, Q3 स्केलर हैं, वेक्टर वो हैं, चार्ज हैं, तो कोई पॉजिटिव भी हो सकता है कोई नेगेटिव भी हो सकता है, पर इसको मैं Q in बोलूंगा, Q in, इन सबको मैं जोड़ के Q in शब्द को बोलूंगा। मुझे आप लोग को गॉस लॉ की डेफिनेशन पढ़ानी है। हमने क्या देखा, अंदर वाले सारे चार्ज को जोड़ दो, Q1, Q2, Q3, इरेस्पेक्टिव कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, मान लो कोई बाहर चार्ज Q4 है, तो हम उसको Q in में नहीं लिखेंगे, उसको Q out में लिखेंगे, वो काउंट नहीं होगा। और ये सरफेस एरिया जो ये नहीं कि सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल लेने से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, पर गॉस लॉ कूलम्स लॉ ही है, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता ये इमेजिनरी सरफेस कैसा हो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, गॉस लॉ हमेशा एप्लीकेबल है, बस अगर तुम सिमेट्रिकल सर्फेस ले लोगे ना तो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ा देगा तुम्हें। गॉस लॉ कहता क्या है, वो बोलता है कि अगर कभी भी इस सरफेस पे मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया जगह का उस पॉइंट का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dsds करके सरफेस एरिया वेक्टर से dsds मल्टीप्लाई करके जब जोड़ूंगा पूरे सरफेस का, बेटा आप देना बुक्स में आपको ये सिंबल मिलेगा क्लोज्ड वाला, क्लोज्ड मतलब पूरा सरफेस का, अगर आप ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन करोगे E.ds की, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ोगे ये सारा, तो आपको हमेशा Q in by E0 मिलेगा। दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ। बट इसके अंदर हम अभी कम से कम 50 सवाल बनाएंगे अलग अलग टाइप के, इतने ही बेसिक में। सवाल कुछ भी हो सकता है, सर ये Q4 लिखा ही क्यों है, सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सिर्फ Q1 Q2 की वजह से है, Q3 की वजह से है, Q4 का क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रोल है। दिस इज नथिंग बट गॉस लॉ। बट जो तेज बच्चा होगा, जो मेरे साथ साथ अभी नोट कर रहा होगा, उसको ये समझ आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रिजल्टेंट ड्यू टू, बेटा मैं ये इस एरो से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से भी है, Q2 की वजह से भी है, Q3 की वजह से भी है और Q4 की वजह से भी है। और गॉस लॉ सिर्फ फ्लक्स के बारे में कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इन मतलब बाय ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू Q in by E0। बेटा E.ds करके आप फ्लक्स ही निकाल रहे हो। अब कोई बच्चा सोचेगा सर इस बाहर वाले चार्ज ने ऐसा क्या पाप किया है कि इसको आप जोड़ नहीं रहे हो फ्लक्स में, क्या आप कुछ सोच सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पूरी ले रहे हैं। बेटा कोई बच्चा सोच के बता सकता है कि व्हाट इज द रीजन कि मान लो एक चार्ज बाहर है, तो किताबों में आप पढ़ लोगे कि बाहर जो पॉइंट चार्ज होता है वो सॉलिड एंगल जीरो बनाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है सिंस सॉलिड एंगल इज जीरो बाहर के एरिया पर। मुझे ठीक है, बच्चे याद करते हैं वो ठीक है, बट मुझे लॉजिकली कोई बता सकता है कि सपोज कोई सरफेस एरिया यानी कोई बॉल है आपने ले लिया और मैंने एक चार्ज बाहर रखा है, तो बस मुझे ये सोच के बता दो, मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए कि सर इसका एक एरिया इधर होगा और इसका एक एरिया इधर होगा। बेटा क्या आप सोच पा रहे हो, अगर मैं Q4 से एक इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजारता हूँ, Q4 से जब मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजारता हूँ, तो क्या हर बच्चा ये बात समझ पा रहा है कि जो चार्जेस मेरे इस सरफेस से बाहर हैं, प्लीज ट्राई टू सी बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो चार्जेस मेरे सरफेस से बाहर हैं, आउटसाइड द सरफेस एक्सटर्नल चार्जेस, क्या आपको दिख पा रहा है कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह एंगल अपोजिट है 180 डिग्री। यहाँ पे ऑब्जर्व करो बेटा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर हेयर, एक बार थीटा एक्यूट है 0 डिग्री यहाँ पे और एक बार यहाँ एग्जैक्टली अपोजिट 180 डिग्री है, यानी बाहर वाला चार्ज कुछ जगह पे प्लस फ्लक्स क्रिएट करेगा और कुछ जगह पे
नेगेटिव। अब तुम किसी भी सरफेस एरिया को ध्यान से देखते चलो, अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगा, अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगा कि जितना वो पॉजिटिव फ्लक्स देता है उतना वो नेगेटिव फ्लक्स देता है। तो बाहर वालों से जो फ्लक्स मिलना है वो जीरो मिलेगा। हाँ बेटा, हाँ हमेशा बेटा। एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या एनसीईआरटी में हमें दिया है कि फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस अगर हम निकालते हैं वो हमेशा क्यू इन बाई इन आउट होगा, ये यूनिवर्सल एक्सप्रेशन। हाँ बेटा हाँ, बस मैं अभी ये समझाना चाह रहा हूँ, द होल डायग्राम दैट यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन रिप्रेजेंट कि क्या क्या बाहर वाला चार्ज, जो चार्ज बाहर प्रेजेंट है इस एरिया के, ये फ्लक्स क्यों नहीं दे पाता है बॉडी को, क्योंकि जितना ये पॉजिटिव क्रिएट करता है बेटा उतना ये नेगेटिव क्रिएट कर देता है, इसका नेट कितना हो जाता है जीरो। बाहर वाले चार्ज से अगर मैं फ्लक्स जोड़ना भी चाहूं, बेटा हम लोग कर क्या रहे होते हैं, हम लोग फ्लक्स ही तो जोड़ रहे होते हैं, ई डॉट डी एस कुल मिला के आपका फ्लक्स है बेटा, हम ऐसे लिखेंगे ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई बेटा। आप लोग सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है कि जो आप जल्दी जल्दी नोट नहीं कर पा रहे हो, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। मैं दोबारा आपसे बोलता हूं, गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी गिवन चार्जेस के वजह से फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो चलो हम मान लेते हैं हमने गिवन चार्जेस के सेट को क्यू इन और क्यू फोर ले लिया, मतलब कुछ चार्जेस हमने एक इमेजरी सरफेस के अंदर ले लिए और कुछ बाहर ले लिए, तो गॉस लॉ ये कहता है कि जब मैं उस सरफेस पे सारा फ्लक्स निकालूंगा ना, तो सिर्फ उसमें आउटपुट में क्यू इन ही रहेगा। क्यों? क्यू आउट का कोई रोल नहीं रह जाता, वो जितना पॉजिटिव फ्लक्स क्रिएट करता है उतना नेगेटिव। अब लेकिन जरा क्यू इन पे देखो बेटा, आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या कुछ ले लोगे। अब जरा एक बेचारे क्यू इन को लो, जरा क्यू इन को लेके देखो, वो कहीं पे भी कैसा फ्लक्स क्रिएट करेगा। देखो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, सरफेस एरिया भी ऐसे ही है, यानी उससे सिर्फ पॉजिटिव ही, पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव क्रिएट होगा। तो अब बेचारा बाहर वाला रोल में था नहीं, और जब तुम सिग्मा करोगे, जोड़ोगे सारा फ्लक्स थोड़ा थोड़ा करके, तो सिर्फ क्यू इन मिलेगा, क्योंकि बाहर वाले से जितना पॉजिटिव बना था उतना नेगेटिव, नेट जीरो, बट अंदर वाले से सिर्फ पॉजिटिव है। इसीलिए हमारा आंसर में ऐसा हो जाता है कि फॉर्मूले में आरएचएस में सिर्फ क्यू इन आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा टोटल होगा क्यू इन बाई ई नॉट। अब बेटा इसमें वो बड़ी चलाकी से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाता है। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पोर्शन को पार किया कि व्हाट इज गॉस लॉ, व्हाट इज आपका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। अगर क्लास का मेजर मेजर टेक अवे है, तो मेजर टेक अवे क्या है कि हमने डेफिनेशन सीखी फ्लक्स की। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स कि सर ई डॉट डी एस। मैंने बड़ी ईमानदारी से कोशिश की कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एरिया को वेक्टर देख पाओ बेटा, हम एरिया को वेक्टर देख पाए, ये हमारी कोशिश थी बेटा कि समहाउ हम एरिया को वेक्टर देख पाए। दूसरी कोशिश थी कि आपको एरिया में सॉलिड एंगल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो। एक मेजर फॉर्मूला जो आपने सीखा कि अगर हमें सेमी वर्टिकल एंगल पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, सॉलिड एंगल 2π (1 cos θ). हमने इन बिटवीन ये भी सीखा कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कब पॉजिटिव लेंगे, किस साइड को लेंगे पॉजिटिव। फिर हमने गॉस लॉ की तरफ भी गए कि जो टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है इज लाइक दिस, ई डॉट डीएस। मैं फिर रिपीट करता हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस की वजह से थी, जितनी भी चार्जेस प्रेजेंट हैं सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अच्छा ये जो क्लोज्ड वाला सिंबल है ना,
ये वो दिखाता है कि सरफेस एरिया क्लोज है। अगर कहीं पे भी ये सरफेस एरिया क्लोज नहीं है बेटा, अगर मैं बोलूं फ्लक्स निकालो, तो वो बड़ा कोशिश करता है आईआईटी वाले बच्चों को कंफ्यूज करें। कैसे? वो ये क्लोज वाला सिंबल नहीं बनाएंगे और बच्चा इसको इक्वेट कर देगा क्यू इन बाई ई नॉट की, तब आंसर हो जाता है गलत। अगर मैंने पूरे सरफेस एरिया का फ्लक्स निकाला है तो ही क्यू इन के बराबर आएगा। मतलब अगर आपने पूरा सरफेस एरिया क्लोज नहीं किया है, मतलब याद रखना हम ऐसे ही बोलते हैं। क्या आप लास्ट पॉइंट रिपीट कर सकते हैं? हाँ बेटा मैं कर सकता हूँ आराम से। अगर मैंने पूरे सरफेस एरिया का नहीं निकाला है तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं इसको क्यू इन बाई ई नॉट लिखूं। पूरे गॉस लॉ में मैं यहाँ पे जब तक ये सर्कल ना बनाऊं, इसे क्लोज इंटीग्रल याद रखना, अगर मैं पूरी सरफेस पे निकालूंगा तो ही मुझे हक है इसको क्यू इन बाई ई नॉट लिखने का। तो कहीं पे जैसे मान लो बेटा जी एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हो या कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हो, अगर वो आपको बोले कि ये गॉस लॉ है कि ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन क्यू इन बाई ई नॉट होता है, तो आंसर बोल देना नहीं ये गॉस लॉ नहीं है, ये गलत है। अगर मैं आप लोग को बोलूं कि ई डॉट डी एस करने से मुझे क्यू इन बाई ई नॉट मिलता है, ये पूरी तरह से गलत है। जब तक मैं पूरे सरफेस को क्लोज नहीं करूंगा, जैसे अगर आप याद करो आप एक पॉइंट चार्ज वाला पढ़ रहे थे, तो पूरे स्फीयर पे निकालना पड़ेगा हर जगह ई डॉट डी एस ई डॉट डी एस ई डॉट डी एस, तब वो बराबर होगा क्यू इन बाई ई नॉट के। तो आई आई टी इसका भरपूर फायदा उठाता है। चलो मैं तुमको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, जस्ट टू मतलब तुम्हें थोड़ा सा इन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसको, मैंने बेटा सारे पॉइंट्स पे ध्यान दिया है बोलने का कि आप समझो। क्वेश्चन फॉर्म में पूछता हूँ, शायद आपको समझ आए। बेटा मैं थोड़ा क्लास काफी 7:43 हो चुकी है, मैं क्लास इसके बाद जल्दी जल्दी खत्म कर देता हूँ। बेटा मान लो यहाँ पे उन्होंने एक चार्ज दे दिया क्यूक्वल टू टू कुलम, ठीक है। अब वो तुमसे पूछेगा कि यहाँ पे इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, आंसर क्या आएगा तुम्हारा बताओ? सर जीरो। जीरो गलत हुआ, क्यों? वो एक छोटा सा सरफेस एरिया दे रहे हैं तुम्हें, तो तुम्हें इस एरिया से क्या लेना गॉसियन सरफेस से? फॉर्मूला क्या होगा, इस चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा? कुछ निकलता, वहां का कुछ सरफेस एरिया का वेक्टर ऐसा होता, तो ई डॉट मतलब पूरे सरफेस का जीरो होगा। पूरे सरफेस पे जीरो होगा, वही मैं बोल रहा हूँ। जब तुमसे फ्लक्स पूछा जाए तो देखना कहाँ पूछ रहे हैं। अगर पूरे सरफेस का पूछता तो हम इसको बोलते हैं आउटसाइड वाला, इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन बेटा बेटा वो सरफेस इमेजरी है, बात समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे फ्लक्स पूछ रहा हूँ। हाँ बेटा मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। मैं दोबारा बोलता हूँ, मुझे एक चार्ज दिया हुआ है बेटा, मैंने देखा कि बच्चे क्या करते हैं, वो रट्टा मारते हैं। कैसे? कि सर गॉस लॉ हमारा कहता है ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई ई नॉट। अरे बेटा अगर ये सर्कल ना दिखे ना तो ये फॉर्मूला गलत है। जब मैं पूरे सरफेस का पूछूं तब आउटसाइडर चार्ज है, तब इसका फ्लक्स नहीं आ सकता। लेकिन 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 अगर ये चार्ज से किसी एरिया पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने को बोले किसी गिवन एरिया छोटे से एरिया पे, तो बेटा क्यों नहीं होगा बताओ? इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा क्या? बनेगा। उस वहां पे एरिया कुछ होगा नहीं क्या? होगा। इन दोनों के बीच में एंगल कैसा है? थीटा एक्यूट दिख रहा है, तो फ्लक्स तो पॉजिटिव आएगा, तो हम ये नहीं बोलेंगे जीरो होगा। तो आईआईटी में जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देगा, एक इमेजिनरी सरफेस देके एक चार्ज को बाहर रख के पूछेगा बताओ इसकी वजह से फ्लक्स उस गिवन सरफेस एरिया पे होगा कि नहीं। मेरी बात समझे? अब जब जैसे सपोज मैं यहाँ पे एरिया बना देता तो तुम बोलते इस Q2 चार्ज से जो फ्लक्स मिलेगा वो नेगेटिव होता, कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जाती ऐसे और ये जो छोटा सा एरिया बनाया नीचे उससे एरिया वेक्टर इधर होता, तो ये एंगल हो जाता ऑब्ट्यूस, तो हमें मिलता इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव। तो बड़ा तो मतलब अगर ये जैसे पूरे स्फीयर में से हमें सेमी सर्कल पे निकालना है, मतलब सेमी हेमिस्फीयर पे, तो सर मतलब इंटीग्रेशन से ही आएगा बस? हाँ बेटा ये लॉजिक से भी आ सकता है। जैसे सपोज कि मैंने एक चार्ज ऐसे रख दिया और ऐसे इस चार्ज को सेंटर पे रख के एक हेमिस्फीयर टाइप का बना दिया, लाइक हेमिस्फीयर बनाया और चार्ज को सेंटर पे यहाँ रख दिया। अब मैं तुमसे पूछूं इस सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है यहाँ से, तो तुम लॉजिकली ऐसे बताते कि सर मान लो अगर ये पूरा हेमिस्फीयर होता तो क्यू बाई ई नॉट जाता, तो आधे हेमिस्फीयर से उसका आधा चले जाएगा। ये हम लोग करेंगे बेटा, एक न्यूमेरिकल से भी स्टार्ट करेंगे ना फ्लक्स के, तो करेंगे कि पूरे सरफेस से क्यू बाई ई नॉट है, तो आधे सरफेस से क्यू बाई मतलब उसका आधा हो जाएगा क्यू बाई ई नॉट बाई
बेटा मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास अभी आप लोग की बैक टू बैक, और प्लीज बेटा मैं आपको अभी थोड़ी देर में, जैसे आपकी नेक्स्ट क्लास खत्म होगी उससे पहले आपको फॉलो अप गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगा। प्लीज बेटा इस पीरियड में 8 से 9 घंटे पढ़ते रहो। आई रिक्वेस्ट कि कोरोना वाले पीरियड को अपने फेवर में लगा दो। बेटा मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ विद होप कि आप सारे बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे। बेटा मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है? बाय सर। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। बाय सर। थैंक यू सर। बेटा जल्दी से लॉग इन करना शुभम सर की क्लास में।